गाइज़ आई एम बैक लेकिन ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है ये आपने देखा भी होगा नहीं भी देखा होगा गाइज लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी होपफुली ऑन वे प्रोटीन बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है इट्स अ हॉट टॉपिक एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट लेकिन हम जितना इसके बारे में जानते हैं उतना ही कन्फ्यूज होते हैं चाहे आप इंटरमीडिएट uh, uh, हो एडवांस लेवल पर हो बिगिनर हो किसी भी लेवल पर हो गया वी स्टिल रियली डोंट नो मच अबाउट वे प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए कितने टाइप के वे प्रोटीन होते हैं आदे एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस विच प्रोटीन इज गुड फॉर मी विच नॉट कौन सा रात में लेना चाहिए कौन सा दिन में लेना चाहिए <laughs> टू कन्फ्यूजिंग गाइज सो इन दिस वीडियो आई विल जस्ट टेल यू दिस सो इस वीडियो को हम कहेंगे प्रोटीन का बाई बुल्कि आपको कुछ भी जाना वे प्रोटीन के बारे में यू नो दिस इज गोट कवर ऑल द बेसिक्स फॉर यू सो गाइज़ वे प्रोटीन क्या है वे प्रोटीन इज नथिंग बट अ मिल्क बाय प्रोडक्ट अगर आपके पेरेंट्स आपको तंग कर रहे हैं अगर आपके लोग आपको कह रहे हैं पाउडर खा रहा है चूरन खा रहा है कुछ भी खा रहा है डब्बे वाली बॉडी गाइज इट्स ऑल बी एस यू नो प्रोटीन इज नैचुरल इट्स अ नैुरल बैड प्रोडक्ट अब मैंने देखिए दूध से बनता था गायस सो ऑब्वियली इसका मैंने डिफ्रेंट वीडियो करा था किस तरीके से वे प्रोटीन बनता है डू चेक दट आउट आई डोट वॉट टॉक टू मच अबाउट इट सो इट्स अ मेट बैड प्रोडक्ट यू कैन हैव इट नाउ दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन अब इसके बारे में बात करें कितने टाइप के प्रोटीन आते हैं वे प्रोटीन आते हैं मार्केट में गए देर मैनी काइंड टॉप डाउन यू नो द टॉप वन जो जो आपको पता होने चाहिए नंबर वन गाइज इज़ अ कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन में अगर आप देखेंगे एक स्कूप जो आपको मिलेगा वो होता है तीस ग्राम का उस तीस ग्राम में कॉन्सनट्रेट में आपको मिलेगा 18 से लेके 22 बाईस ग्राम तक प्रोटीन डिपेंडिंग आप कौन सा ब्रांड लेते हो कॉन्सन्ट्रेट इज मीन्स कि अगर आप अब अब, अब के फायदे क्या हैं कॉन्सेंट्रेट के फायदे ये येगा कि ये बेसिक लेवल के लिए बिल्कुल ठीक है अगर आपने अभी अभी जिम शुरू करा यू नो यू यू कैन यू कैन टेक इट कब लेना चाहिए योर पोस्ट वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू अगर आप स्टार्ट करें तो आप कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन से स्टार्ट करें बेसिक प्रोटीन सस्ता भी होगा मार्केट में इसकी कीमत आपको मिल जाएगी समवे बिटवीन 2500 से लेके 5 से छः हजार रुपये तक का डिपेंडिंग ऑन एवर ब्रांड आपको अच्छा मिल जाएगा एंड यू शूड टेक इट पोस्ट योर वर्कआउट वन स्कूप ओनली दैट्स कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन बीच ऑब्वियसली तीस ग्राम में आपको बाईस ग्राम प्रोटीन मिलेगा मूविंग ऑन आप कॉन्सनट्रेट के बाद आपको मिलेगा आइसोलेट प्रोटीन नाउ अब आइसोलेट प्रोटीन उनके लिए होता है कि उन्हें लगता है कि नहीं यार हमें तो अपने हमें काब्स नहीं चाहिए हमें ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं चाहिए अपने प्रोटीन में हमें तो जितना हो सके अपने शुगर को कंट्रोल करना हर चीज़ यू नो फॉर पीपल यू नो हु वांट टू यू नो ओबली शेप और उन्हें लगता है कि अगर वे प्रोटीन भी उनको ज़्यादा थोड़ा ब्लोट uh, uh, कर सकता है कुछ कर सकता है तो यू गो फॉर आइसोलेट प्रोटीन आइसोलेट प्रोटीन क्या है इट्स अ रिफाइंड वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेट अगर कॉन्सनट्रेट के तीस ग्राम में आपको बाईस ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आइसोलेट के तीस ग्राम में आपको 26 से 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा विच इज़ वेरी गुड यू नो प्रोटीन पर स्कूप की मात्रा बढ़ गई है अगेन ये आई डोंट रिकमेंड इट टू बिगिनर्स गैज क्योंकि आपको फर्क पड़ेगा नहीं बिकॉज क्योंकि आप रिमेंबर आइसोलेट जितनी जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है उतनी जल्दी निकल भी जाता है अगर आपको अगर आप ऑफिस एम्प्लॉय हो या आप कॉलेज जाते हो तो उससे होगा कि आप जैसे ही आप ये वाला प्रोटीन लेंगे पंद्रह मिनट में आपकी बॉडी से गायब हो जाएगा बीच में आपकी बॉडी फटाफट एब्जॉर्ब कर लेगी और आप भूखे के भूखे रहोगे फिर एस कॉन्सेंट्रेट इट स्टेज इन योर बॉडी फॉर फ्यू आवर्स तो आप थोड़ी देर फुल रहोगे विच इज़ अ गुड थिंग गाइस सो हमेशा कॉन्सनट्रेट चीपर भी है और हमेशा हेल्प भी करेगा आपको पेट भरने पेट रखने के लिए लेकिन अगर आप कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं यू रियली यूरिल बी इन शेप तब आइसोलेट प्रोटीन विल हेल्प यू आइसोलेट की कीमत कैन वे समे बिटवीन फोर थाउजेंड टू 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 एट थाउजेंड नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड तक भी जाती है डिपेंडिंग ऑन विच एवर ब्रांड यू टेक नंबर थ्री नंबर थ्री इज दी अनदर हाइड्रोलाइज फॉर्म ऑफ प्रोटीन गैस दी हाइड्रोलाइज इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें uh, और भी ज़्यादा uh, uh, कॉलिटी प्रोसेसिंग हो जाती है गैस बिच में आपको सत्ताईस से अट्ठाइस से उनतीस ग्राम भी प्रोटीन मिल सकता है बत्तीस ग्राम के स्कूप में इट्स अ सेम एज आइसोलेट बट थोड़े से उन्होंने प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी फोर्थ वन द लास्ट वन Uh, uh, ये टॉप डाउन है इसमें और भी हो सकते जैसे एक प्रोटीन भी आते कई आते लेकिन वो यू नो डैट समथिंग इंडिया में बहुत कम मिलता है बट वी वीट टॉक अबाउट इट फोर्थ वन इज अ केसिन प्रोटीन ये है मिल्क प्रोटीन लोगों रात को सोने की सोने में दूध पीने की बहुत uh, अच्छी या बुरी आदत होती है लेकिन दूध कई लोगों को सूट नहीं करता चाहे वो लैक्टोसिन टॉलरेंट होते हैं उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती इनडाइजेशन हो जाती है सो केसिन प्रोटीन कम्स इन वेरी वेरी हैंडी गाइज ये प्रोटीन आप कभी पोस्ट वर्कआउट नहीं ले सकते ये प्रोटीन हमेशा आपको सोने से पहले लेना है क्यों इसका लॉजिक क्या है कि आपकी बॉडी जब आप सोते हैं ऑब्वियसली कैटाबॉलिक स्टेट में आ जाती है कि जब आपकी बॉडी खुद ही मसल खाना शुरू करती है बिकॉज सोते हुए आप सबसे ज़्यादा पूरे दिन में कैलरीज बर्न करते हैं गाइस सो द एग्जाम इज कि ये प्रोटीन आपकी बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेट से होने से ना बचाता है बल्कि कम कर देता है सो ऑब्वियसली यू डोंट बर्न एज मच और रात को अगर किसी को उठ के भूख लगती है कुछ खाने की गंदी आदत होती है कि सुबह उठ के रात को उठो भूख लग जाए तो इससे आपको भूख नहीं लगती सो यू कैन हैव इट इन वाटर नाउ दीज आर फोर काइंड ऑफ प्रोटीन आपको प्रोटीन किस में पीना चाहिए यू नॉ शुड यू हैव इट इन मिल्क और शुड यू हैव इट इन वाटर गैस हमेशा पोस्ट वर्कआउट ऑब्वियसली हैव इट इन मिल्क सॉरी हैव इट इन वाटर बिकॉज वाटर इसलिए बिकॉज आपको जल्दी एब्जॉर्प्शन चाहिए मिल्क के एब्जॉर्प्शन होने में बहुत टाइम लगता है अगर आप, आप आ, पोस्ट वर्कआउट आपकी जल्दी से अपनी ट्रेनिंग खत्म करिए हैव इट इन वाटर दोपहर का टाइम है आ, आ, अगर आपको वर्कआउट करने में थोड़ा टाइम है यू लुकिंग फॉर अ मील यू कैन ऐड सम मिल्क इन टू इट आप थोड़ी सी स्मूदी बना सकते हो उसमें कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हो आइसक्रीम डाल सकते हो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो कुछ भी डाल सकते हो गाइज सो दिस इज वॉट दी एज अ मील रिप्लेसमेंट भी आपको इसे काम करेगा अब साइड इफेक्ट्स गाइस प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते मैंने पहले भी बोला भाई प्रोटीन के सबसे ज्यादा अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होगा वो इनडाइजेशन होगा हो oh, uh, वो भी इसलिए बिकॉज आपकी बॉडी पर सूट नहीं करता अगर वो सूट कर जाएगा तो ऑबियसली यू वुड नॉट हैव एनी थिंग सो अगर आपको एक अच्छा प्रोटीन चाहिए विच विच विच्स योर बजट यू नो विच वो हेल्प भी करे आपको uh, लेकिन प्रोटीन से रिमेंबर इट वुड नॉट मेक यू मास्किलर ये सिर्फ और सिर्फ आपको मसल रिकवरी की हेल्प करेगा पोर्स वर्कर्ड इट्स नॉट अ मसल बिल्डर प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ये सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करेगा ताकि आप uh, uh, थोड़ा रिकवर हो सको अपने वर्कआउट करें और अगले दिन वर्कआउट जल्दी कर सकूगा इस so, सो और इसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं जैसे आपको पहले था अगर इंडियन पेरेंट्स सुन रहे हैं इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है होप दिस मैसेज गेट्स इन यू हेड लाउट इंडिया गाइज आई होप जितने भी आपकी वेब प्रोटीन की क्वेरीज हैं कब लेना चाहिए क्या लेना चाहिए कितने टाइप के वे प्रोटीन होने चाहिए होप इट गेट्स आंसर थ्रू दिस वीडियो नाउ आई शल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो